Children. Hope all of us are doing good. Now, the topic that we will study today is pronouns. Now, think what is wrong with this story. What is the story? Ria goes to school. Ria goes by bus. The bus waits for Ria. Ria sits in the bus. Ria reaches school. The teacher meets Ria. She tells Ria to do work. मतलब अगर आप ये स्टोरी पढ़ें कि रिया स्कूल गई रिया बस से गई रिया ने बस की नहीं द बस वेट्स फॉर रिया बस ने रिया की वेट करी रिया बस में बैठी रिया स्कूल पहुंची, टीचर रिया से मिली और उसने रिया को काम करने के लिए कहा तो इस स्टोरी में आपको क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है सो लेट्स डू दिस करेक्ट द पैसेज इन थिंक सेक्शन यूजिंग शी हर मतलब यहाँ पे जो आपने स्टोरी पढ़ी है यहाँ पे कहाँ पे शी आना चाहिए और कहाँ पे हर आना चाहिए ये वाले दो वर्ड्स यूज करके इस स्टोरी को यहाँ पे आप दोबारा से लिखें लेट्स रीड दिस वर्ड्स यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस नाउन्स के जगह पे उन्हीं को दर्शाने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स लुक एट दी पर्सनल प्रोनाउंस सो आई मी यू ही शी इट हर एंड हिम रेफर टू वन पर्सन और थिंग तो ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ना आई मी यू ही शी इट हर हिम ये क्या है किसी एक इंसान या एक चीज़ को दिखाने वाले प्रोनाउंस हैं दे एंड डैम रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग अगर एक से ज़्यादा इंसान या चीज़ें हैं तो कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं हम दे और डैम यू कैन रेफर टू वन एज वेल एज मैनी पर्सनस अब हमारे सामने वाला इंसान चाहे एक है या एक से ज़्यादा है दोनों केसेस में जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो है यू नाउ लेट लुक एट पॉजिशिव प्रोनाउंस द वर्ड्स माइंड हिज हर्स इट्स आवर्स देयर्स टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू अनादर मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना माइन हिज हर्स इट्स आरस देर्स ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है किसको बिलोंग करती है सो दीज वर्ड्स शो पोजेशन दे आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस तो जो वर्ड्स शो करते हैं कि कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है वो वाले वर्ड्स कहलाए जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस नाउ टेल पॉइंट एट योर फ्रेंड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउंस अपने फ्रेंड्स की तरफ देखिए उनकी तरफ पॉइंट करिए और प्रोनाउंस यूज करके सेंटेंसेस बनाइए लेट्स राइट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं वहां पे करेक्ट प्रोनाउन लिखिए फॉर एग्जाम्पल स्मिता इज हेयर डैश हैज गॉट अ बास्केट ऑफ एप्पल्स अब स्मिता की जगह यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा शी सो स्मिता इज हेयर शी हैज़ गॉट अ बास्केट ऑफ एप्पल्स इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इन ब्लैंक्स में जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन्स हैं उन्हें लिखेंगे नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स डैश हैव कम टू सी डैश अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है मी और दे तो जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं वो आप देखेंगे कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है या सही है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा दे हैव कम टू सी मी इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में प्रोनाउंस दिए गए हैं उनको प्रॉपर पोजिशन्स में या ब्लैंक्स में फिल कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड इन सेंटेंसेज में जिस वर्ड को हाईलाइट करा गया है उसके जगह पर आप अप्रोप्रिएट या करेक्ट प्रोनाउन लिख करके सेंटेंसेज को दोबारा लिखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें मदर मेक्स टी मदर लाइक्स टी तो कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है सेकेंड सेंटेंस में मदर तो हम इसको कैसे दोबारा से रीराइट करेंगे मदर मेक्स टी शी लाइक्स टी इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस में भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी जगह पे करेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद माइन योर्स और आवर्स तो यहां पे आप ब्लैंक में या तो माइन या योर्स या फिर आवर्स जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो इन ब्लैंक्स में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर हाउस दिस हाउस इज योर्स इसी तरह से आप बाकियों को भी फिल करेंगे लेट्स एंजॉय लुक एट थिंग्स आउटडोर्स पॉइंट एट देम यूजिंग दिस और दैट एंड पोजिसिव प्रोनाउंस तो आप अपने बाहर देखें जो आपको चीज़ें नजर आती हैं उन चीज़ों के लिए आप दिस या फिर दैट या फिर जो भी अप्रोप्रिएट पोजिस्िव प्रोनाउन है वो यूज़ करके उनके बारे में बात करें सो आई होप बच्चों प्रोनाउंस इज क्लियर टू ऑल एंड आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस विल नाउ बी ईजी